राजस्थान की राजनीति में जहां लगातार सीएम अशोक गहलोत वसुंधरा राजे की तारीफ करते नहीं थकते, और तो और हाल ही में कुछ दिनों पहले तो वो महारानी का चेहरा बीजेपी को आगे करने की सलाह तक दे डालते हैं। लेकिन महारानी है कि अपने तेवर दिखाने में पीछे नहीं हट रही है, और तो और उल्टा सीएम गहलोत पर ही सीधा जमकर सियासी प्रहार करती है और कह डालती है कि सीएम अशोक गहलोत ने योजना का नाम बदलकर झूठा क्रेडिट लिया है और ट्वीट कर लिखा है कि भामाशाह योजना के पात्र परिवारों को भामाशाह डिजिटल परिवार योजना के तहत हमारी भाजपा सरकार 1,000 रुपए की 2 किश्तों के माध्यम से स्मार्टफोन वितरित कर डिजिटली सशक्त बनाने का काम पहले ही कर चुकी है। उस समय कांग्रेस ने इसे चुनावी योजना बताकर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज वही कांग्रेस हमारी योजना का नाम बदलकर झूठा क्रेडिट लेने का काम कर रही है। दरअसल गहलोत सरकार ने मुफ्त राशन और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के बाद गुरुवार को मुफ्त सुविधाओं की सूची में एक और योजना जोड़ी है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना। फ्री स्मार्टफोन के तहत पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को फोन दिया जा रहा है। साथ ही वसुंधरा राजे ने उस वक्त आयोजित कार्यक्रम में वितरित किए गए फोन की तस्वीरें भी साझा की है। साथ ही लाभार्थी का उस वक्त का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें मोबाइल मिलने के बाद वो कह रही है, मेरा नाम सीता देवी है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, राजस्थान परिवार डिजिटल योजना से ये मोबाइल मिला है, राजस्थान सरकार का बहुत अभिनंदन है। तो साथ ही जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, यह जा रही सरकार है, बिना बजट प्रावधानों के जा रही सरकार वोटों की फसल काटने की कोशिश कर रही है, ये फोन पुराने हो चुके हैं और हम इस मामले को जनता की अदालत में ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।